विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें देखेंगे कि किस तरह से हम एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र का प्रयोग करके जो संख्याओं का वर्ग है कितनी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले दो वीडियो में देखा कि किस तरह से एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र का हम गणितीय प्रयोग कर सकते हैं, संख्याओं के जोड़ में इसका सूत्र का किस तरह से प्रयोग किया जाता है और किस तरह से बेहद फास्ट कैलकुलेशन की जाती है दो संख्याओं की गुणा करने में। तो देखते हैं कि एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र संख्याओं के वर्ग में हमारी किस तरह से सहायता कर सकता है कि किस तरह से ये इस सूत्र के द्वारा हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेरे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि 15 का स्क्वायर 15 का वर्ग, 25 का स्क्वायर 55 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर 95 का स्क्वायर और 105 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है तो कितने टाइम में आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कितना टाइम आपको लग सकता है। आपको खुद को नहीं पता कि कितना टाइम इसमें आपको लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप इस सूत्र का प्रयोग करना सीख जाओगे तो आप बता सकते हो कि ये जो काम है आप 5 सेकंड में, 6 सेकंड में या 10 सेकंड तक कर दोगे। सारे के सारे जो स्केयर कैलकुलेशन है वो आप 10 सेकंड के अंदर अंदर कर दोगे या इससे पहले आप इसको कर दोगे। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कि मान लो आपको 35 का स्केयर या 35 का वर्ग आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का क्या अर्थ होता है कि उस संख्या की उसी संख्या के साथ गुना हम करते हैं। 35 की 35 के साथ हमें गुना करनी है तो हम 35 लिख लेते हैं और 35 और इसकी गुना कर देते हैं। 5 पंजे 25 5, 15 और 2 17, 3 पंजे 15 5, 9 और 1 10, तो ये 5 12 2 2 और ये 1, तो 1225 ये हमारे पास 35 का वर्ग आ जाएगा 1225। अब जो वर्ग ज्ञात करना है एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र से हम इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं अब वो देखते हैं। इसके लिए पहले बच्चों आपके पास दो स्टेप है। जैसे हमारे पास हमें 35 का वर्ग हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपके पास दो स्टेप है। स्टेप वन इसमें आपको क्या करना है, 5 का स्केयर कैलकुलेट करना है या फिर आप कह लो कि 5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी है 25। और ठीक इसी तरह से आपका जो स्टेप टू में क्या करना है आपको, देखो इसका तो काम हमारा हो गया यहां पर, अब इस पे आ रहे हो जो टेंस प्लेस पे है, 3 की गुना करनी है इसके एकाधिकेन से, 3 की गुना करनी है इसका एकाधिकेन, इसका एकाधिकेन क्या होगा 4, 3 की 4 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो यहां से 25 और यहां से 12 तो 25 लिख देंगे और उसके आगे 12 लिख देंगे तो 1225 हमारे पास ये आंसर आ गया। तो कितनी फास्ट कैलकुलेशन अब आप देखो आपकी हो जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सपोज करो आपको 65 का स्केयर कैलकुलेट करना है तो 65 का स्केयर कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है, 5 की 5 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 5 की 5 के साथ करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 6 इसका एकाधिकेन हो गया 7, तो 6 की 7 के साथ गुणा करनी है तो 6 7 42, तो 4225 इसका आंसर आ जाएगा। तो जस्ट आपको ये दो स्टेप ध्यान रखने हैं। अब आप देखो ये कैलकुलेशन आप कितनी फास्ट कर दोगे। 15 का वर्ग आपको ज्ञात कर रहे हैं तो 5 की 5 के साथ 25 और 1, 1 का एकाधिकेन हो गया 2, तो 1 की 2 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा तो 225, तो 15 का वर्ग हो गया 225। इसी तरह से 25 का वर्ग आप निकाल लें तो 5 की 5 के साथ 25, 2 का एकाधिकेन हो गया 3, 2 की 3 के साथ 2 3 625। 55 का वर्ग निकालना है, 5 5 25, 5 का एकाधिकेन हो गया 6, तो 5 की 6 के साथ 5 6 के 30। 75 का वर्ग निकालना है, 5 की 5 के साथ 25 और 7 का एकाधिकेन हो गया 8, 7 की 8 के साथ 7 8 56। इसी तरह से
95 का वर्ग हमें निकालना है, तो 5 की 5 के साथ 25 और 9 का एक आधी के लो गया 10, 9 की 10 के साथ 90, 9025। 105 का वर्ग हमें ज्ञात करना है, 5 की 5 के साथ करेंगे तो 25 और ये हमारे पास 10 है, 10 का एक आधी के लो गया 11, 10 की 11 के साथ करेंगे तो 110, तो 11025। तो प्यारे बच्चों आप देखो कि इस उत्तर का प्रयोग करके आप इन संख्याओं का जो वर्ग है वो मुझे लगता है कि 5 से 6 सेकंड के अंदर ज्ञात कर सकते हो, और अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से चलोगे तो बहुत लंबा समय आपको इनमें लग सकते हैं। यहां पे ये दो स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। इन दो स्टेप के अलावा आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक नोट है जिसको आप ध्यान रखेंगे। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्केयर कैलकुलेशन आप कब करेंगे, जब यहां पे इकाई का अंक है वो 5 हो। तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है कि जो इकाई का अंक है वो 5 हो। ये जो मेथड है एक आधी के इन पूर्वेन, उसका प्रयोग हम कब करेंगे, जब इकाई का अंक 5 हो। संख्या कुछ भी हो बस इकाई का अंक 5 हो, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे हम लिख सकते हैं कि यूनिट प्लेस डिजिट मस्ट बी 5। तो यूनिट प्लेस जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, बस एक ही कंडीशन है। और भी जो बाकी की संख्याएं हैं उनका वर्ग करने का भी हमारे पास तरीका है, लेकिन उसके लिए जो सूत्र है वो अलग से है। यहां पे जो एक आधी के पूर्वेन सूत्र है यहां पे इसके लिए अप्लाई हो रहा है जिसमें जो इकाई का अंक है वो 5 है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि किस तरह से एक आधी के पूर्वेन सूत्र का प्रयोग करके आप जो संख्याएं हैं उसका वर्ग कितनी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।